दोस्तों आज इस वीडियो में हम एशियन गेम्स के एक ऐसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि एक भारतीय खिलाड़ी के साथ क्या अन्याय हुआ, उसने कैसे विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद विरोध प्रदर्शन की वजह से उसको क्या नुकसान हुआ। मैं YouTube पर नया हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी मदद हो जाएगी। तो ये बात है 2014 एशियन गेम्स की जो साउथ कोरिया के इंचियोन शहर में आयोजित किया गया था। इसमें एशिया के बहुत से देशों ने भाग लिया। तो चलिए अब बात करते हैं उस घटना की जो उस वक्त भारत और एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक चर्चा का विषय बन गया था। भारत की एन सरिता देवी बॉक्सिंग के 60 केजी के कैटेगरी में सेमीफाइनल में पहुंची, जहां उनका मुकाबला साउथ कोरिया के जीना पार्क के साथ होना था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉक्सिंग में 4 राउंड होता है और अगर मैच में कोई नॉकआउट नहीं होता है तो 4 राउंड के बाद पॉइंट्स के आधार पर विजेता घोषित किया जाता है। मैच का पहला राउंड शुरू होता है और बाउट बहुत ही इंटेंस और क्लोज होता है। पहले राउंड के लास्ट में सभी 3 जज कोरियन बॉक्सर के पक्ष में फैसला देते हैं। उसके बाद दूसरा राउंड शुरू होता है जिसमें सरिता देवी पार्क पर पूरे राउंड में हावी रहती है, लेकिन 3 में से 2 ही जज सरिता देवी के पक्ष में फैसला देते हैं और 1 जज पार्क के पक्ष में होता है। यही से भारत की टीम को लग गया था कि फैसला निष्पक्ष नहीं हो रहा है। तीसरा राउंड भी बहुत इंटेंस होता है और सरिता देवी पूरे मैच में शानदार बॉक्सिंग करती है, लेकिन फिर 2 जज पार्क के पक्ष में और सिर्फ 1 जज सरिता देवी के पक्ष में फैसला देते हैं। इसके बाद तो कुछ लोगों ने कटाक्ष भी किया था कि लगता है जज मैच नहीं देख रहे और बल्कि फैसला बिना मैच देखे दे रहे हैं। चौथे राउंड के बाद चारों जज आपस में बात करके जीना पार्क को विजेता घोषित कर देते हैं और सिल्वर मेडल पार्क के हिस्से में आ जाता है, जबकि सरिता देवी को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ता है। इस फैसले पर दर्शक भी नाराज होते हैं, लेकिन असली कंट्रोवर्सी इसके बाद शुरू होता है जब विजेता को मेडल दिया जाता है। जीना पार्क को सिल्वर मेडल दिया जाता है और सरिता देवी को ब्रॉन्ज, लेकिन सरिता देवी विरोध में वो मेडल जीना पार्क को दे देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्क ब्रॉन्ज डिजर्व करती है और सरिता देवी वहां से रोते हुए जाती है, जबकि जीना पार्क पोडियम से उतरते हुए वो मेडल वहीं पोडियम पर रख देती है। अब जानते हैं कि इसके बाद सरिता देवी के साथ क्या हुआ। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन इस फैसले के खिलाफ अपील करता है, लेकिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन सरिता देवी पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है और उनके ऊपर इंटरनेशनल और नेशनल हर तरह के मैच खेलने पर 1 साल का बैन लगा देता है। यहाँ हम इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन की सराहना करेंगे कि वो सरिता देवी का हर तरह से साथ देते हैं और सरिता देवी को लाइफ टाइम बैन से बचाने में पूरा ताकत लगा देते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और कुछ नया सीखते रहें।